जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनीता, स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो आज मैं लेके आई हूँ बिहार का मिथिला स्पेशल पकौड़े वाली कढ़ी की रेसिपी। मैंने एक कटोरे चना का दाल 4 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था, और इसको मैंने मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लिया है। और मैं लूँगी एक कटोरा दही, 2 चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच खड़ा जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर। और हम जूस के लिए कुछ मसाले ले लेंगे, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। अब इस मसाले में हम 2 चम्मच पानी डाल के गीला करके रख देंगे। इसको अच्छे से हाथ से मिला देंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद साइड में रख देंगे। आज हमारे यहाँ जुड़ शीतल है, और आज के दिन हर मैथिलवासी घर में ये करी वाले पकौड़े बनते ही बनते हैं, कंपलसरी है ये बनना। दाल मिक्स हो गई है, अब हम दही ले लेंगे। इसमें डालूंगी 2 चम्मच बेसन और इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। वैसे तो पकौड़े बेसन के भी बनते हैं, और सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। आज हम अपने तरीके से बनाना सिखाएंगे, जैसे हमेशा से मेरे घर में बनता आया है। देखिए दही अच्छे से मिक्स हो गई है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए तेल गरम हो गया है, अब मैं दाल में डालूंगी 1/2 चम्मच नमक। पहले डाल देने से थोड़ा पानी पानी गीला हो जाता है दाल, इसीलिए बाद में डालें। इसको अच्छे से मिला लेंगे। तेल गरम हो गई है, इसमें हम ऐसे हाथ से छोटे छोटे पीसेस बना के डालेंगे। अगर आपको बड़े साइजेस पसंद है तो बड़े साइज में भी तेल में डाल सकते हैं। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे हमें ज्यादा नहीं तलना है। हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। पकौड़ा बन के तैयार है। मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, 1 सूखी लाल मिर्च,
और एक तेज पत्ता। हमने जो मसाले मिलाए थे वो मसाले इसमें डाल देंगे। एक से डेढ़ चम्मच नमक, वो अपने आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। करीबन 1 लीटर पानी लिया है। वो हम इस पकौड़े को इसमें डाल देंगे। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक थोड़ा ही पकौड़ा फूल न जाए। देखिए पकौड़े फूल गए हैं। अब हम इसमें जो दही मिक्स करके रखे थे वो डाल देंगे। और इसको हम 10 मिनट तक पकने देंगे। देखिए पकौड़े वाली करी बड़ी बन के तैयार है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। मैंने ले लिया है एक तड़का पैन। इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे 2 बड़े चम्मच। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, एक लाल मिर्च और 1/2 तेज पत्ता। देखिए जीरा पक गई है। इसमें मैं डालूंगी 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 8 से 10 करी पत्ते। इसमें तड़का लगा देंगे। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।